हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज बहुत ही सिंपल और हेल्दी सूप की रेसिपी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ, मिक्स वेजिटेबल सूप की रेसिपी। ये सूप बहुत ही टेस्टी होता है, इसको बनाना भी बहुत ही आसान है। आइए हम इसको बनाने की चीज़ें अभी देख लेते हैं। एक मीडियम साइज़ के प्याज मैंने छोटे छोटे कट करके इसको रख लिया है। 6 बीन्स है, इसको गोल गोल काट कर मैंने रख लिया है। एक कैरेट को भी मैंने बॉक्स टाइप में काट कर रख लिया है। 2 टीस्पून मैंने पेपर पाउडर ले लिया है। 1 इंच का अदरक मैंने कूट कर रख लिया है। 3 से 4 लहसुन की कली मैंने उसको भी कूट कर रख लिया है। 1 तेज़पत्ता, 1 टेबल स्पून मैंने मैदे का आटा ले लिया है। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर उसके ऊपर मैंने पैन रख लिया है। अब उसमें हम 1.25 लीटर पानी को डाल देंगे। अब हम उसमें कैरेट को डाल देंगे, बीन्स को भी ऐड कर देंगे। अब हम इसको 10 मिनट तक हाई फ्लेम में इसको हम उबाल लेंगे। गैस के फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है, उसके ऊपर मैंने एक पैन को रख दिया है। अब उसमें 1 टीस्पून बटर डाल देंगे। अब उसको हम गरम कर लेंगे। अच्छी तरह से बटर को गरम कर लेंगे। इसके बाद मैदा को उसमें ऐड कर लो फ्लेम में उसको हल्का सा हम भून लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे, बस इसको आधा ही मिनट हम भूनेंगे। अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेंगे और थोड़ा सा पानी डालकर हम उसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। इस तरह से हमने घोलकर इसको रख लिया है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। 10 मिनट हो चुका है, अब इसका पानी हम छान लेंगे। अब हम गैस के फ्लेम को ऑन कर लेंगे। एक पैन रख लेंगे, उसमें हम 1 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। तेज़पत्ते को भी ऐड कर देंगे। हमने जो कूट कर रखा था जिंजर गार्लिक, हम उसको भी डालकर एक आधा मिनट उसको हम सौटे कर लेंगे। प्याज को भी डाल देंगे और उसको भी हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से उसको भी हम भून लेंगे। अभी हम जो छान कर हमने वेजिटेबल का पानी रखा था, अब हम उसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार हम नमक को भी ऐड कर देंगे। अब इसको पकने देंगे पानी को, उसके बाद हम इसमें वेजिटेबल को डाल देंगे। जो हमने घोल कर रखा था मैदे के आटे को, अब हम इसमें उसको भी ऐड कर लेंगे और अच्छी तरह से हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। पेपर को भी हम इसमें अच्छी तरह से मिला लेंगे। गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। हमारा मज़ेदार वेजिटेबल सूप हुआ तैयार। अब हम इसको सर्विंग बोल में निकाल लेंगे और गरम गरम इसको सर्व करेंगे। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, ये बहुत ही आसान और टेस्टी रेसिपी है, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आपको मेरा ये रेसिपी अच्छा लगा तो आप मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन ज़रूर दबाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।